भारत माता की हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजस्थान राजपूत समाज हैदराबाद में हैदराबाद में भाग्यनगर से हैदराबाद के तत्वाधान में आज दीपावली मिलन कार्यक्रम लगाया गया है और हर वर्ष समाज के सभी भाई बंधु माताएं बहने नौजवान इस कार्यक्रम में बहुत अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और हर वर्ष एक बात कहता हूं, जब तक समाज का नौजवान और हर व्यक्ति समाज के बारे में नहीं सोचेगा वो समाज अधूरा है। आप सब लोग, मुझे गर्व होता है कभी भी हमारे राजस्थानी भाई बंधुओं के कोई कार्यक्रम में मैं जाता हूँ ना, जो संगठन अपनी समाज में दिखता है वो किसी समाज में नहीं दिखता, बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ आज एक दो शब्द कहने का मुझे अवसर दिया गया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मैं प्रणाम करता हूँ और बेंगलुरु से भी हमारे भाई बंधु पधारे हैं उनको भी मैं हमारे भाग्यनगर की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूंगा, और क्योंकि अभी हम लोग हर सभा में खास करके युवा को टारगेट कर, क्योंकि देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा नौजवानों के हाथ में है, मानते हैं आप लोग? और मैं नौजवानों से पूछना चाहूंगा कि ये हमारी समाज है, क्या इसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य आपका है या नहीं है? हम एक हिंदू समाज में हमारा जन्म हुआ है, हमारे धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है या नहीं? हम जिस देश में हमारा जन्म हुआ है उस देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है या नहीं? लेकिन आज हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि एक फिल्म बनने वाली है। किसके ऊपर एक फिल्म बन रही है? पद्मावती जी के ऊपर एक फिल्म बन रही है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि वो कौन है, वो साला क्या नाम है उसका, कौन है वो? नहीं, जिसमें अलाउद्दीन पद्मावती जी से प्रेम प्रसंग, खाब में प्रेम प्रसंग करता है, प्रेम करता है, यानी ये टोटली झूठी मूठी एक प्रेजेंट किया जा रहा है मूवी के माध्यम से। लेकिन आजकल मेरे भाइयों, ध्यान से सुनो, हमारी संस्कृति के बारे में कोई नहीं बता रहा, वो जौहर नहीं बता रहा जो आक्रमण मुसलमानों द्वारा उस महल पे किया गया था, चित्तौड़गढ़ जो महल पे किया गया था, वहां पर जब राजाओं को मारा गया तो 16,000 रानियों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, आत्मदहन कर दिया। लेकिन ये साला भंसाली क्या बताता है, क्या नाम है कुत्ते का, क्या नाम है उसका, भंसाली कुछ भी होगा, लेकिन वो अलग से प्रेजेंट कर रहा है। आज पूरा भारत देश का हर हिंदू, हर भारतवासी, हर वो हमारा राजपूत का सैनिक एक आवाज लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या बोल के, कि अगर ये मूवी में हमें नीचा दिखाने का अगर प्रयत्न किया गया तो एक भी थिएटर में वो मूवी हम चलने नहीं देंगे। ऐसा पूरे भारत देश में एक अच्छा सा एक ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हमारे इस भाग्यनगर में भी बहुत सारे राजपूत क्षत्रिय हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज नहीं कर रहा। क्या हमारा खून ठंडा हो गया क्या? हमें भी एक कसम खाना है इस तेलंगाना की धरती पर, जैसे हमारे बड़े अधिकारियों द्वारा एक बात कही गई, ये मूवी पहले हमें बताओ, अगर ये मूवी में कहीं पर भी अगर गलत बताया गया तो हम ये मूवी को रिलीज होने नहीं देंगे, ऐसा हमारे अधिकारियों का द्वारा कहा गया। लेकिन आज तक भी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे अधिकारीगणों को रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। 160 करोड़ रुपए से अभी से उसने मूवी के ऊपर क्या करा, इंश्योरेंस कर दिया, क्योंकि उसको पता है क्षत्रियों की ताकत कितनी बड़ी है। अगर क्षत्रिय दिल पे ले लिए तो ये भंसाली रहो या कोई भी कुत्ता रहो, उसका नामो निशान खत्म करने की क्षमता हम क्षत्रियों में है। मेरे भाइयों, मैं आपको भड़काना नहीं हूं,
ये हमारी संस्कृति है, इसकी रक्षा करना हर वो भारतवासी का कर्तव्य है, क्योंकि राजा महाराजा व्यक्तिगत नहीं लड़े, देश की रक्षा के लिए लड़े, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे में हमारी रानियों के बारे में अगर कोई कुत्ता निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई मूवी बनाता है, ज्यादा पैसे कमाने के लिए अगर कोई मूवी बनाता है, तो उसका बहिष्कार करना हर भारतवासी का कर्तव्य है, हर हिंदू का कर्तव्य है, हर राजपूत का कर्तव्य है, ये मैं कहना चाहूंगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा संगठन है और जितने भी जो हमारे राजस्थानी भाई बंधु, हमारे जितने भी क्षत्रिय राजपूत के भाई बंधु हमारे इस भाग्यनगर में रहते हैं, सब लोग पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक आवाज उठाओ और यहाँ पर सेंसर बोर्ड को भी आप कंप्लेंट दो, पुलिस कमिश्नर को भी आप कंप्लेंट दो, अगर ये मूवी हमारे भाग्यनगर में रिलीज होगी तो हम उसको रोकेंगे। जिस भी थिएटर में, जो भी थिएटर में अगर ये मूवी रिलीज होगी, उस थिएटर में घुसकर हम थिएटर को आग लगा देंगे। ये आप व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाओ। आज मैं यहीं पर ठहर कर ये कहना चाहूंगा कि जो भी नौजवान, जो भी भाई बंधु, अगर ये मूवी में अगर पद्मावती जी के बारे में अगर गलत बताता है, जो भी युवा वो थिएटर में जाकर थिएटर को जलाता है, उसको बाहर निकाल की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरे भाई बंधु, चाहे कोर्ट से हो या पुलिस स्टेशन से हो या किधर से भी हो, वो नौजवान को बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी और मैं भी ये जिम्मेदारी लेता हूं। अगर वो मूवी में कहीं पर भी अगर हमारी संस्कृति को या हमें नीचा दिखाने का अगर कोई प्रयत्न करेगा, तो वो थिएटर को हम जला देंगे। और साथ ही साथ ये डायरेक्टर को भी मैं वार्निंग देना चाहता हूं, अरे तुम तो कुत्ते हो, तुम चंद पैसों के लिए ऐसे मूवीज बनाते हो, हमारे जैसे लोगों को नीचा दिखाने का जो तुम प्रयत्न करते हो, ये मैं सारे के सारे डायरेक्टर्स को कहना चाहूंगा कि ये गंदी हरकतें छोड़ दो। और साथ ही साथ एक पीके पिक्चर निकली थी, पता है आपको, वो साला पीके निकाला था, क्या निकाला था पता नहीं, लेकिन उसको 500 करोड़ का बिजनेस दिया हमारे लोग, 500 करोड़ से अधिक का बिजनेस दिया। क्यों पता है? क्योंकि हमारे नौजवान कैसे हैं कि अरे यार ये पिक्चर का विरोध हो रहा है, एक बार जाके देखेंगे कि इसमें क्या बताया, एक बार हम जाके देखेंगे इसमें क्या बताया। अरे तुम्हें दिमाग नहीं है सर, कोई भी एजेंसी सोशल मीडिया में इसमें अगर फैलाता है, अगर कोई गलत मूवी बनती है, तो उसका बहिष्कार करना सीखो, ना कि उसको देखकर उसको पैसे कमा के दो। एक पिक्चर बनी, उसको क्या करेगा, और एक पिक्चर बनाएगा, उसका फिर विरोध होगा सोशल मीडिया में, अनेकों पेपरों में विरोध होगा, मीडिया में विरोध होगा, फिर हम लोग देखेंगे 1000 करोड़ रुपए कमा के देंगे। आज वही ट्रेन फिर चल रहा है, आज पद्मावती जी के ऊपर जो पिक्चर बन रही है, मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों लोग के देखेंगे हम ये पिक्चर में, ऐसा क्या उसने बताया है हम देखेंगे, ऐसी नौजवानों की विचारधारा जा रही है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, आप पिक्चर का बहिष्कार करो। अगर सच्चे तुम देशभक्त हो, सच्चे तुम धर्मभक्त हो, सच्चे तुम राजपूत हो, तो ये पिक्चर का बहिष्कार करो। एक भी व्यक्ति वो मूवी ना देखे, अगर जो भी डायरेक्टर अगर इस तरह के मूवीज बनाता है, अगर ये पिक्चर फेल होती है मेरे भाइयों, तो फिर कोई देर नहीं करता ऐसे मूवीज बनाने के लिए। हमें फेल करना है उसको मूवी, ना कि हम वो पिक्चर देख के पास करना है, ये मेरी बात ध्यान रखो। और साथ ही साथ फिर से एक बार, इस बार 1 दिसंबर को वो मूवी रिलीज हो रही है, अगर उससे पहले हमारे अधिकारी गणों को अगर वो मूवी बताता है, हमारे अधिकारी गण अगर वो मूवी को क्लियरेंस देखते हैं, तो हम देखेंगे, उसका स्वागत करेंगे। अगर हमारे क्षत्रियों के फेवर में अगर वो बताता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, 4 गुना पैसे उसको हम कमा के देंगे। अगर वो पिक्चर में अगर हमारी संस्कृति के खिलाफ, अगर हमारे राजा महाराजाओं के खिलाफ और हमारी रानियों के खिलाफ अगर उनको नीचा दिखाने का अगर प्रयत्न करेगा, तो उसको तो हम सबक सिखा के रहेंगे। यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।